Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken class. Friends, today I am going to teach you about the present perfect tense. Okay friends, present perfect tense kya hai, usko hum pehchante kaise hain aur uska sentence English mein hum kaise translate karte hain, kya niyam hai uske. Okay friends, sabse pehle dekhte hain hum pichle class mein diye gaye sentences ke English anuvad. Ye rahe, agar aapne banaya hai to match kar lo isse, agar kahin par galtiyan hongi to aap unhe sudhar lena. Okay friends, so let's start the class of the day. Friends, present perfect tense kya hai? What is the present perfect tense? Jisme vartman ki baat kahi ja rahi ho, lekin perfect and pura ho jane ki baat kahi ja rahi ho, batai ja rahi ho. Books mein zyadatar aapko ye padhne ko milega ki jis sentence ka ant mein chuka hai, chuki hai, chuke hain, ye sab rahe, to samjho ki wo present perfect tense hai. और इसका लेकिन कोई भी परफेक्ट नियम नहीं होता है, रूल्स नहीं होता है पहचानने का कि इसके अंत में सिर्फ यही चीज़ आएगा. ओके फ्रेंड्स, सो ये जान लेना ज़रूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है. जैसे कि मैंने काम, कुछ काम किया यानी कर लिया है, काम पूरा कर लिया है. किसी भी काम को पूरा हो जाने का अर्थ होता है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में कि काम पूरा हो गया है, लेकिन उस सेंटेंस में लास्ट में है रहेगा तो समझना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ओके फ्रेंड्स, पास्ट इनफिनिट में भी काम पूरा हो जाने की बात बताई जाती है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में जो पूरा होने की बात बताई जाती है और उसके साथ सेंटेंस के अंत में है, हूँ, हो लगा हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. जैसे मैंने देखा है, उसने खा लिया है, वे लोग जा चुके हैं, मतलब काम पूरा हो जाने की बात कही जा रही है, बट लास्ट में है, हूँ, हो, ये आ रहा है, तो समझ लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ओके फ्रेंड्स, हम सेंटेंस बनाते हुए समझते जाते हैं. सबसे पहले ये तो मैंने जो लिखा है, या है, ही है, ली है, दी है, चुका है, चुकी है, सेंटेंस के लास्ट में होता है. बट जो मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है कि सेंटेंस यानी काम, कोई भी काम पूरा हो जाने को प्रेजेंट परफेक्ट कहता है, लेकिन पूरा हो जाने की बात पास्ट इंडेफिनिट में भी की जाती है, पास्ट टेंस में भी की जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट का भी टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा. प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ यही निशानी होगी कि काम पूरा हो जाने के साथ उसमें सेंटेंस में है, हूँ, हो ज़रूर रहेगा. ठीक है, तो उसे पहचान लेंगे. जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मैं देख चुका हूँ, और इसी को हम ऐसा कह सकते हैं कि मैंने देखा है, और इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने देख ली है. ओके फ्रेंड्स, लेकिन तीनों का इंग्लिश एक ही होगा. मैं देख चुका हूँ, मैंने देखा है, मैंने देख ली है, ये तीन तरह से हम बोल सकते हैं हिंदी में. और भी कई तरीके हो सकते हैं बोलने के, बट हम अलग अलग तरीक़ों से बोलते हैं. अब सभी में अलग अलग आ गया अंत में, इसमें ली है आ रहा है, इसमें खा है आ रहा है, इसमें चुका है आ रहा है, तो एक कोई भी एक सटीक फॉर्मूला नहीं है इसको पहचानने का. बस पहचानने का यही एक नियम है कि कोई भी काम पूरा हो जाए उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, बट सेंटेंस में है, हूँ, हो रहना चाहिए. अभी बनाने के इसका फॉर्मूला क्या है, बनाने के नियम है, जब कोई भी आपको पहचान में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसको बनाने का नियम है, पहले हम सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स. ओके फ्रेंड्स, अभी मैं देख चुका हूँ तो आई होगा, और आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं या हैज़ लगाते हैं. आपको मैं बेसिक में बता ही चुका हूँ पहले ही कि किसके साथ हैज़ लगाते हैं और किसके साथ हैव लगाते हैं. तो आई और यू के साथ हमेशा हैव लगता है. बाकी किसी भी सेंटेंस में अगर हम एक चीज़ की बात करते हैं यानी सब्जेक्ट एक हो, अकेला हो, तो उसमें हैज़ लगेगा आई और यू के अलावे. ओके फ्रेंड्स, और सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो तो हैव लगेगा. अब इसमें आई के और यू के साथ हमेशा हैव लगता है, इसलिए हैव लगाएंगे. आई हैव देख चुका हूँ यानी कि सीन, सी का तीसरा फॉर्म. ओके, आई हैव सीन. अब ये दोनों का भी यही इंग्लिश होगा. वो मुंबई गया है, He has gone to Mumbai. इसी सेंटेंस को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वह मुंबई चला गया है. ओके फ्रेंड्स, वह मुंबई गया है, वह मुंबई चला गया है, इस तरह से भी बोल सकते हैं. वह मुंबई जा चुका है, ऐसे भी बोल सकते हैं. तो he has gone to Mumbai, मतलब वो मुंबई जाने का काम उसका पूरा हो गया है, वो जा चुका है मुंबई. ओके,
उसने मुझे बुक दी है, यानी कि उसने मुझे बुक दी है, उसने मुझे बुक दे दिया है। ओके, तो बुक देने का काम पूरा हो गया है। तो ही ए के साथ हैज़ गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है, गिवन मी बुक। उसने मुझसे मिलना चाहा है। अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा समझने की बात है कि इसमें चाहा है और मिलना, इसमें दो वर्ब आ रहा है, ठीक है। तो मेन वर्ब इसमें चाहा है, जो लास्ट में होता है वो मेन वर्ब होता है, चाहा है, और मिलना जो है ये सेकेंडरी वर्ब है। तो इसमें इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ही हैज़ वॉन्टेड, जो फर्स्ट फॉर्म है उसका हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, जो फर्स्ट वर्ब है हमेशा उसका थर्ड फॉर्म ही आएगा, ही हैज़ वॉन्टेड टू मीट मी, मुझसे मिलना चाहा, तो मीट मी। ओके, मीन्स इन्फिनिटिव का इस्तेमाल मतलब टू लगाएंगे, और उसके बाद जो वर्ब आएगा, सेकेंड वर्ब जो आएगा, उसका हम पहला फॉर्म ही रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ही हैज़ वॉन्टेड टू मीट मी। अभी दूसरा है, मैंने जीतने की कोशिश की है, तो मैंने मिस आई हैव कोशिश की है, ये मेन वर्ब है, ट्राइड, आई हैव ट्राइड टू विन। ओके फ्रेंड्स, जो मेन वर्ब है उसका हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, और जो सेकेंड वर्ब है उससे पहले टू लगाकर और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, मेरा भाई खेलने गया है, माई ब्रदर हैज गोन टू प्ले। ओके फ्रेंड्स, माई ब्रदर हैज़ गोन, थर्ड फॉर्म गो का, फिर उसके बाद टू, फिर सेकेंड वर्ब का पहला फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस को बनाएंगे। अभी हम इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं देख चुका हूँ, मैंने देखा है या मैंने देख ली है, तो इसको हम नेगेटिव में बोलेंगे। तो हम आमतौर पर ऐसा नहीं बोलते कि मैं नहीं देख चुका हूँ, सीधा बोलते हैं मैंने नहीं देखा है। ओके, तो इसका जो नेगेटिव, हमेशा मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते वक्त उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, बस वह नेगेटिव कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, नेगेटिव बन जाता है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ और हैव, उसके बाद हम नेगेटिव लगा देंगे, यानी नॉट लगा देंगे। तो आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा है, वो मुंबई गया है, तो वो मुंबई नहीं गया है, ही हैज़ नॉट गोन टू मुंबई, या ही हैज़न्ट गोन टू मुंबई, हैज़ नॉट या हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसने मुझे बुक दी है, तो उसने मुझे बुक नहीं दी है, ही हैज़ नॉट गिवन मी बुक। उसने मुझसे मिलना नहीं चाहा है, ही हैज़ नॉट वॉन्टेड टू मीट मी। मैंने जीतने की कोशिश नहीं की है, आई हैव नॉट ट्राइड टू विन। मेरा भाई खेलने नहीं गया है, माई ब्रदर हैज़ नॉट गोन टू प्ले। अभी इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, तो कोई भी सेंटेंस जब क्या से शुरू होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। क्या मैंने देखा है, हैव आई सीन। क्या वह मुंबई गया है, हैज़ ही गोन टू मुंबई। क्या उसने मुझे बुक दी है, हैज़ ही गिवन मी बुक। क्या उसने मुझसे मिलना चाहा है, हैज़ ही वॉन्टेड टू मीट मी। क्या मैंने जीतने की कोशिश की है, हैव आई ट्राइड टू विन। क्या मेरा भाई खेलने गया है, हैज़ माई ब्रदर गोन टू प्ले। ओके फ्रेंड्स, अभी अगर इसका हम क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वाला शब्द लगाकर बनाते हैं, किसी भी क्वेश्चन वर्ड को हम लगा देते हैं, जैसे मैंने देखा है, मैंने क्या देखा है। ओके, हम क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं, मैंने क्या देखा है, व्हाट हैव आई सीन। वो मुंबई कब गया है, When has he gone to Mumbai? उसने मुझे बुक कब दी है, When has he given me book? उसने मुझसे कब मिलना चाहा है, When has he wanted to meet me? मैंने जीतने की कोशिश कैसे की है, How have I tried to win? मेरा भाई कहाँ खेलने गया है, Where has my brother गोन टू प्ले। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया। अभी हम करते हैं प्रैक्टिस। ओके, मैंने ताजमहल नहीं देखा है,
I have not seen Taj Mahal. क्या उसने दरवाज़ा खोला है? Has he opened the door? क्या आप कभी मुंबई गए हैं? Have you ever gone to Mumbai? क्या तुम्हारे पिताजी अंग्रेजी सीखे हैं? Has your father learned English? क्या उसने कभी जीतने की कोशिश की है? Has he ever tried to win? क्या तुमने मुझसे मिलने की कोशिश की है? Have you tried to meet me? क्या वे लोग जीत गए हैं? Have they won? क्या तुम हार गए हो? Have you lost? Okay friends, क्या तुमने कुर्सी खरीदी है? Have you bought chair? क्या तुमने कभी शराब पी है? Have you ever drunk wine? मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया है. I have never smoked. उसने मुझे धोखा दिया है. He has deceived me. या he has cheated me. तुमने मेरे लिए क्या किया है? What have you done for me? मैंने तुमसे कई बार मिलना चाहा है. I have many times wanted to meet you. उसने मुझे नहीं देखा है. He has not seen me. वह कब स्कूल गया है? When has he gone to school? तुमने बाजार से क्या खरीदा है? What have you bought from market? उसने तुम्हें क्यों पीटा है? Why has he beaten you? क्या तुम्हारे पिताजी वापस आ गए हैं? Has your father come back? मेरे पिताजी मुंबई से अभी तक वापस नहीं आए हैं. My father hasn't come back from Mumbai yet. क्या आपको सर्दी हो गई है? या आप क्या आपको सर्दी पकड़ लिया है? Have you caught cold? ललिता के कपड़ों में आग लग गई है. Lalita's clothes has caught fire. उसके घर में आग लग गई है. His house has caught fire. क्या आपने चाय पी ली है? Have you taken tea? क्या वे लोग चले गए हैं या क्या वे लोग जा चुके हैं? Have they gone? Okay friends, तो इस तरीके से आप भी सेंटेंस क्रिएट कीजिए. आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता कैसा है, यानी कि पहचानने का नियम पता होना चाहिए और पहचानने का नियम, बनाने का नियम, सब कुछ मैंने आपको बता दिया. अभी आप क्रिएट कीजिए सेंटेंस और उसका प्रैक्टिस कीजिए. ओके फ्रेंड्स, अब ये रहा आज के लिए होमवर्क के लिए. ये सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो और इनको अच्छी तरह से समझ कर बनाना. ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए. और अगर आप सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप घर बैठे मुफ्त में इंग्लिश सीखते रहें. ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद.